الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

ومن يأسهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسا ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور مودساتها كل مودسة بدعة، وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل في سوره الأعزاب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم फ़मन राग़बा अनसन्नती फ़लई सनी वकाल नबी सला वल्आलन हाज़र निकाह वज वाज़। अलू होफ़िल मसाजिद औकमा कल नबी सोतरम ख़वान वजरा आज हम अल्लाह के घर में एक ख़ुशी के मौके पर जमा हुए हैं एक निकाह की तकरीब है ज़िंदगी के नए शेब व फराज के अंदर कभी गमी होती है कभी ख़ुशी का मौका आता है तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कि ये ख़ुशी का मौका है और इस खुशी को हम आ, सुन्नत रसूल के मुताबिक जो है सर अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और यही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का तरीक़ाकार है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के मौके पर एक खुतबा बयान फरमाते थे जैसे आप जानते हैं जुमे के दिन भी खुतबा होता है और ये खुतबे का असल मकसद तस्कीर है तस्कीर कहते हैं याद दहानी को नसीहत को बच्चे को वाल हमेशा किसी अहम काम की बार बार नसीहत करता है उसे याद दहानी कराता है क्योंकि इंसान के अंदर भूलने का अमल है लिहाजा बार बार अहम बातें उसको याद दहानी करें हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है क्या सिर्फ यही है कि खाना पीना शादी और दुनिया से चले जाना नहीं बड़ा अजीम एक मकसद है जिसके लिए तहत हम दुनिया में आए हैं इसको बार बार याद दहानी कराना इसी को तस्कीर कहते हैं ये तस्कीर नबी अलैहि वसल्लम कुरान मजीद के ज़रिए से कराते थे कुरान की चंद आयात पढ़ कर और उसके ज़रिए से याद दहानी तस्कीर तो ये आप फरमाते थे जैसे क़ुरान में आता फज्क्रबिल कुर खाफ वईद ए नबी इनको याद दहानी है कुरान के ज़रिए से उस शख्स को कि जो मेरे अजाब से डरता हो जिसके अंदर जिसकी फ़ितरत साले है जिसका ज़मीर ज़िंदा है और जिसको आख़रत की जवाबदेही का एहसास है वो यकीन इस याद दहानी और नसीहत को पल्ले बांध लेगा उसके दिल में वो जगह बन जाएगी तो वो कुरान के ज़रिए से याद दहानी कराइए कुरान है ये नसीहत की किताब रास्ता दिखाती है हिदायत की किताब है और इसमें आपने चूंकि अरबी में आप सारा कुछ होता था ये ख़ुतबा सारा अरबी में अल्लाह की सना नबी वसल्लम पर दरूद ईजाब और कबूल कुछ क़ुरानी आयात और चूंकि अरबी ज़बान हमारी ज़बान नहीं है ज़बान यार मन अरबी व मन अरबी नवी दानम इसलिए ने इसके लिए फिर एक उर्दू में एक वाज़ थोड़ा सा रख दिया है ताकि नसीहत का हक़ तो अदा हो जाए पता तो चल जाए ठीक है मैं अगर अरबी ख़ुतबा अभी आपके सामने पढ़ा है अभी ईजाब और कबूल हो कर लें तो निकाह तो हो जाएगा लेकिन वो जो एक नसीहत का अमल है वो रह जाएगा इसलिए कि समझ तो नहीं आती अरबी की ना हम में से अक्सर की जिनको आती है अलहमद ला सुदल्ला के उन्होंने एक बहुत कीमती चीज़ अपने यहाँ हासिल की है लेकिन अक्सर लोग चूँकि वाकिफ़ नहीं होते इसलिए ये उर्दू में वाज भी होता है तो वो थोड़ी सी मैं इन वाज बयान करके फिर ईजाब और कबूल करते हैं इस मौके पर आप ने कुरान में से यानी ख़ास मौका है दो ख़ानदान जुड़ रहे हैं एक नए घर की बुनियाद बन रही है एक औरत और एक मर्द की निकाह और शादी हो रही है इस मौके पर ऐसी नसीहत करना ताकि वह जिंदगी याद रखें और अगर वो याद रखेंगे तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाएगी खुशम से गुजर जाएगी बाहमी एतमाद से गुजर जाएगी तो ऐसी कौन सी नसीहत है आप पूरे कुरान में से चार आयत मुंतब की इस खास मौके के लिए और चार आयत अभी मैंने आपके सामने पढ़ी हैं अच्छा इन आयत में बार बार जो है ना तकवे का जिक्र है तो असल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर जो नसीहत की वो तकवे की नसीहत है तकवा किसे कहते हैं आज थोड़ा सा इसके बारे में जरा बता दूँ तकवा के बारे में कहते हैं खुदा खौफी परहेजगारी लेकिन इसका एक बहुत ही आसान तर्जमा है और वो है बचना बचना अल्लाह की पकड़ से बचना गलत काम करने से बचना हराम से बचना नाफरमानी और मासियत से बचना अल्लाह के अजाब से बचना अल्लाह के आकाम को तोड़ने से बचो बचो ये इसका मुफ्त अच्छा ये बचेगा इंसान उस वक़्त आप सौ उसको आवाज़ पिला दें लेकिन जब मौका आता है तो फिर बचता नहीं है क्यों जब तक कि वो एहसास दिल में न हो कि मुझे अपने रब के सामने खड़े होकर जवाबदेही करनी है ये एहसास जितना ज़्यादा जागेगा कि एक दिन आना है और हम में से हर शख्स ने उस दिन अपने अल्लाह के सामने अपने रब के सामने खड़े होकर अपने आमाल की जवाबदेही करनी है कुरान में आता है वह अम्मा मनखाफ मकाम रब ही वना हन नफस अनिलहवा फिन ही अलमा जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा और अपनी ख्वाहिश नफ्स को उसने काबू में रखा तो जन्नत ही उसका ठिकाना तो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा एक एहसास कि अल्लाह मुझसे पूछेगा मैं क्या जवाब दूंगा ऐसा ना हो कि अल्लाह उस दिन मुझे नजरअंदाज कर दे अगर अल्लाह ने मुझे नजरअंदाज कर दे उस दिन तो मालिक मालिक यौमिद्दीन वो जजा उस हजा के दिन का मालिक तो वो है अगर उसी ने आंख फेर ली मेरी तरफ से मैं कहाँ जाऊँगा मुझे कोई मदद नहीं दे सके ना वालदेन न औलाद ना दोस्त अहबाब कोई नहीं क्योंकि उस दिन मालिक सिर्फ सिर्फल्योम लावादुल्कहार उस दिन तो सब मालिक अल्लाह होगा और अल्लाह ने अगर मुंह फेर लिया मुझसे मैं तो कहीं का ना रहा ये एहसास यही चीज़ उन सवालों का जो जवाब है मुझे आना चाहिए यह एहसास इंसान को बचने पर बंद करता है बुराई से बचता है और नेकी के लिए उसके दिल में तड़प और एक जज्बा और एक लगन जो है वो पैदा होती है तो ये एहसास और इस एहसास से बचता है इसी को तकवा कहते हैं और इसको यूं समझिए कि हमारे एक सहाबी हैं हजरत काब रजी अल्लाह रजील्ला उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल के जरिए से इसको समझाया हजरत उम्र फारूक ने पूछा है भाई बताओ तकवा किसे कहते हैं तो उन्होंने मिसाल के जरिए समझा अगर मुझे कहा जाए कि एक जंगल में से गुजरना है और उस जंगल में खारदार झाड़ियाँ भी हैं और घास भी बड़ी ऊंची है डर है कहीं कुछ सांप ना पड़ा हो अच्छा मेरा दामन कहीं कांटों से उलझ ना जाए और मुझे कहा जाए कि तुमने गुजरना है इसमें से और मुझे नजर आ रहा है कि यह बड़ गुजरना बड़ा मुश्किल है लेकिन उसके बावजूद मैं अपने कपड़ों को समेटता हुआ और फूंक-फूंक कर कदम रखता हुआ और हर चीज को देखता हुआ कि मेरा पांव किसी जानवर पर ना पड़ जाए और किसी सांप पर ना आ जाए तो बचता बचाता हुआ एहसास करता हुआ उसमें से निकल जाऊं यही तकवा है यानी दुनिया में हमारी जो ज़िंदगी है जो हम गुजार रहे हैं इसमें ये गुनाह है ये बुराई है ये बेहयाई है ये गलत काम है ये हराम है ये ईबत है ये ताना है ये ये फला है ये सारी चीज़ों इनको देखते हुए इंसान अपने दामन को बचाता हुआ निकल जाए यही तकवा तो ये है तकवा और तकवा का ज़ाहिर भी होता है और तकवा का बातिन भी होता है जाहिर तो ये है ना कि तकबा का जाहिर अल्हदिल्ला में से अक्सर वेशतर तकबा के जाहिर पर तवज्जो करते हैं दाढ़ी है इसी तरह वज़ाक़त है चेहरे पर सुनत रसूल हो हाथ में तस्पी हो जिक्र हो अच्छा टखनों से ऊपर शलवार हो मांग जो है वो सीधी निकली हुई हो ये तकबा के जाहिर हैं और ये लायक़ तहसीन बात है लेकिन असल चीज़ तकबा का बातन है और उसमें तीन चीज़ें याद रखी अगर बातिन में वो तकवा नहीं है तो जाहिर का तकवा में वो अपने आप को धोखा दे रहा है क्योंकि लोगों के सामने दिखा रहा है कि मैं बड़ा मुतकी परहेजगार हूं लेकिन असल चीज बातिन में अगर वो तीन चीजें नहीं है तो हमें तवज्जो जाहिर पर भी होनी चाहिए और बातिन पर भी होनी चाहिए उसमें सबसे पहली चीज है इंसान का दूसरे इंसानों के साथ उसका रवैया और एटीट्यूड कैसा है रूड तो नहीं है तुंदू तो नहीं है सख्त मिजाज तो नहीं है सख्त दिल तो नहीं है कठोर दिल तो नहीं है कि किसी को उसके चेहरे पर कोई ही नहीं आती सख्ती के साथ बात करता है तोज्जो नहीं करता अगली की बात को आधी सुनी आधी इधर कर दी तो अगले के दिल पर है यार मैं बोल रहा हूँ मैं एक बात बता रहा हूँ तुम तो नहीं कर रहे तो ये रवैया ये एटीट्यूड इससे मना किया गया यानी अल्लाह ने हुजूर को मना किया में। और असल में तो अलैहि वसल्लम का तो मामला ही कमाल का था आप तो किसी हाथ मिलाते तो हाथ अपना खींचते नहीं थे जब तक के दूसरा हाथ ना ले इस कदर शफकत इस कदर मोहब्बत होती थी असल में सुनाना तो हमको है लेकिन अगरचे कुरान में अल्फाज हुजूर नबी करीम वसल्लम के लिए आते हैं वलौ कु ए नबी अगर आप तुंद खू हुए कठोर दिल हुए तो ये ये लोग आपके इर्द गिर्द से छट जाएंगे मतलब अगर आपका रवैया सख्त हुआ ना एटीट्यूड एंड बिहेवियर सख्त हुआ तो फिर ये लोग आपके करीब नहीं आएंगे मोहब्बत नहीं आएगी वो दिलों से मोहब्बत एक दिल से निकल कर दूसरे में नहीं जाएगी ये छट जाएंगे लिहाजा ये नसीहत असल में हमें की जा रही ये है ये का बात है वैसे मुत्तकी परहेजगार दाढ़ी और माथे पर मेराब लेकिन बात करने का ढंग ही नहीं आता बात करने में जो है इंतहाई सख्त दिल कठोर दिल कोई नरमी कोई शफकत कोई मोहब्बत का इजहार नहीं तो तकवे का बातन ये है पहली बात दूसरी बात ये कि अपने माली मामला में ख़ास तौर पर हलाल हर हराम की तमीज़ रखे वैसे जुब्बे और कुब्बे पहन ले, लेकिन उसकी अगर उसकी आमदनी के अंदर हराम शामिल है तो उसको कोशिश करे उसको निकालने की असल तो पानी यहीं मरता है लिहाजा उसकी कोशिश करे और तीसरा यह पता चलता है घर में जब वो अकेला और तनहाई में होता है लोगों के दरमियान तो उसे पता है सबकी नजरें मुझ पर हैं लिहाजा मुझे तो चाहे मैं ना भी हूं मुझे एक, मुझे एक मुत्तकी और परहेजगार का एक जो है अपने ऊपर चढ़ावा चढ़ाना है असल पता चलता है जब वो घर में अकेला और तन में कि वहां क्या करता है क्या सारा दिन वहां बैठकर वो जो है वीडियो फिल्में देखता रहता है और बेहयाई और बेशर्मी की चीजें देखते रहता है और बाहर आकर दर्श देता है और दरश कुरान और दरश अदीस देता है और तनहाई में क्या है तो तकबे का पानी यहां मरता है तनहाई में असल नेक वो है जो अपनी जिसने अपनी तनहाई को पाकिजा बनाया तो ये है तकवे का बातिन तो बातिन पर जो है तवज्जो ज्यादा हो अगरचे जाहिर की अपनी अहमियत है क्योंकि वह वसल्लम की सुन्नत हम फॉलो कर रहे हैं लायक तहसीन है लेकिन अगर बातिन वो नहीं है तो फिर जाहिर से हम धोखा कह रहे हैं और अल्लाह ताला तो हमारे बातिन और जाहिर सबको देख रहा तकवे का बड़ा मकाम है कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन अकरमकुम मकम इन अल्लाह के नजदीक तुम में से सबसे बज्जत वो है जो तुम में से मुत्तकी और परहेजगार है तकवे के बारे में बागात में होंगे और चश्मों में होंगे और हुजूर की हदीस है रसुलत मखाफतुल्लाह हमत और दानाई की चोटी जो है ना विजम विजडम की चोटी अल्लाह का खौफ है अल्लाह का डर है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही वो इंसान हकीम और दाना होगा खुद ब खुद अल्लाह ताला उसकी जबान को हिकमत और दानाई से भर कर देगा उसकी जबान से मोती निकलेंगे ऐसे अल्वाज मोती निकले क्यों क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का खौफ है जो जो बात कर रहा है जो हवाले कर रहा है उस बात का एहसास है मेरी इस बात का अल्लाह के यहाँ जवाब दे उस वक्त मैं क्या कहूँगा लिहाजा वो सोच समझ कर कहते हैं ना थिंक बिफोर यू इंक लिखने से पहले कुछ सोचो भाई क्या कहना है सोच समझ कर बोलो सोच समझ कर लिखो तो जाहिर बात है वो सोच समझ कर लिखे का लिख तो इसी से जन, जन, जनरेट होती है इसी से जनरेट होती है दानाई तो ये है तकवा मैं सिर्फ एक आयत जो है उसका तर्जमा करके आगे चलता हूँ कुरान में आया या तो वाला तम तुम ना वन तुम मुस्लिम एल ईमान अल्लाह का तकवा हासिल करो जितना के तकवे का हक है यानी ऐसे अल्फाज कुरान में कम आए हैं कि उसका हक अदा करो साहबा ने जब ये आयत सुनी लरस उठे हम जैसे लोग यानी साहबा का मकाम हम तो कहां देखते हैं और वो अपने दिल में सोच रहे हैं कि हमारा क्या मकाम है कि हम अल्लाह का तकवे का हक अदा करें हमें तो सौ मरतबा ज़्यादा सोचना पड़ेगा तो सहाबा लर्ज उठे कि अल्लाह के अल्ला तखवे का हक कौन अदा कर सकता है आंखों से आंसू वहाँ हो गए हजूर से जाकर हो चाहे अल्लाह के तखे का हक कौन अदा कर सकता है कमज़ोर इंसान है इंसान जो है ख़ता का पुतला है तो हक कौन अदा करे तो फिर बाद में अल्लाह ने फरमाया सूर तगाबन में फत मस्ता तुम उतना तो तकबा इख्तियार करो जितना तुम्हारी हद इस्तात में एज मच एज पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल यू कैन डू जितनी मेहनत कर सकते हो वो तो करो ना चलो ठीक है हक ना अदा करो कुछ पता तो चले ना कि भाई कोशिश तो कर रहा है वला तम इल्ला इलावान तो मुस्लिम और देखना तुम्हें मौत ना आए मगर हालत इस्लाम में अच्छा यहाँ हालत है मुस्लिम यानी इस्लाम में बात भी हो रही है मुसलमानों से या आई आमनु के सीखे से बात हो रही है और उनसे कहा जा रहा है तुम्हें मौत ना है मगर हालत इस्लाम है या असल में हालत इस्लाम उस मानी में नहीं है इसके हकीकी मानी है इस्लाम के हकीकी मानी है फर्म बरदार देखना तुम्हें मौत ना है मगर हालत फर्मा बरदारी में अब यह हालत फर्मा बरदारी जवानी जब होती है ना तो सिवाय शादी के और लड़कियों के और कुछ दिमाग में आता ही नहीं पढ़ाई के वक्त भी उसकी दिमाग उधर जा रहा होता है तो उस वक्त ये इंसान कहता है कि यार अभी तो जवानी है अभी तो आलम शबाब है अभी तो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है तमन्नाएं है वो बूढ़े हो जाएंगे उम्र कर लेंगे हज कर लेंगे तस्बी पकड़ लेंगे फिर नेक हो जाएंगे हालांकि किसी को पता नहीं कि मौत कब लिखी हुई है अगले इलामे मोटरसाइकिल पर चढ़ा और बाहर निकला और एक्सीडेंट हुआ और गया ही नेवर न्यू कि अगले लम्हे मेरी मौत खड़ी है तो हालत फर्मा बरदारी में रहो जब मौत आए और चूंकि मौत का कुछ पता नहीं लिहाजा हर वक्त हालत फर्मा बरदारी में रहो ताकि अगर मौत अगर आए तो कम अज कम फर्मा बरदारी की मौत हो नाफरमानी की आयन हालत में शराब पीते वक्त मौत आ जाए हराम खाते हुए मौत आ जाए सूदी कारोबार करते हुए मौत आ जाए हसरतनाक मौत है कुरान कह रहा है वला तम देखना तुम्हें मौत ना आए इल्ला व अंतुम मुस्लिम मगर ये कि तुम फर्मा बरदार हो तो ये है तकवे की अहमियत इतना तकवा करो इतना खुदा खौफी करो इतना बचने की कोशिश एज मच एज पॉसिबल अपनी हद इस के अंदर जितना मुमकिन हो सकता है बाकी अल्लाह पे छोड़ो मालिक अल्लाह है ये ईमान है यो ये खा जाएगा वो हो जाएगा मैं डाउन हो जाऊंगा मैं क्या करूँगा फला कर देगा वो हो जाएगा सौ किस्म के शैतान इंसान डर रहता है और यहीं पर ईमान काम होता है मेरा रब अल्लाह है वो मेरा साथ है मालिक खालिक राजे हाजत रवाब मुश्किल कुशा बिगड़ी बनाने वाला तो सब अल्लाह है अमीरों को गरीब गरीबों को अमीर कर देने वाला करोड़ों की जायदादें अनपढ़ को और मैट्रिक पास को करोड़ों रुपए देने वाला और एमए और पीएचडी करने वालों को जो है बमुश्किल रोजी मिलनी है ये तो वो सब कुछ तो यानी रोजी तो उसके हाथ में है तो ये है ईमान के नहीं मेरा रब मेरे साथ है मैंने हक बात करनी है हक पर चलना है चाहे दुनिया मेरी जो है मुखालफत करे लेकिन मुझे हक का रास्ता नहीं छोड़ना ये है तकवे की अहमियत अब ये कि दूल्हा का तकवा क्या है एक हदीस सुनाता हूं हुजूर ने फरमाया कुल्लु राइन कुल को मसूल उन तुम में से हर शख्स एक चरवाहा है और उसको अपनी भेड़ बकरियों के बारे में पूछा जाए यानी हर शख्स की शादी होती है बीवी बच्चे एंड यू आर आंसरेबल टू गॉड फॉर देम तुम सिर्फ अपना हिसाब नहीं दोगे तुम उनका भी हिसाब दोगे खाना तुम खिलाते हो तुम समझते हो मेरी जिम्मेदारी है मेहनत करते हो डबल शिफ्ट लगाते हो लेकिन खाना प्रोवाइड करते हो तुम समझते हो मेरी जिम्मेदारी है तालीम देनी है मेरी जिम्मेदारी है मेरी पूरी कोशिश है कि ये आला से आला तालीम पाए शादी करना मेरी जिम्मेदारी है लेकिन उसको दीनी और अखलाक़ी की तरबियत देना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं हमने कभी सोचा कि हम अपने बच्चों को दीनी और अखलाक़ की तरबियत देनी कोई हदीसें याद करा देना कोई दुआएँ याद करा देना कुरान याद करा देना उसको आदाब सिखाना अखलाक सिखाना बड़ों का अदब करते हैं छोटों से मोहब्बत करते हैं बेटा बैठने का तरीका यूं है चलने का तरीका यूं है बात करने का तरीका यूं है लिबास बच्ची को कहना बेटी लिबास का तरीका ये है तुम्हारा जिसम का कोई हिस्सा जो है वो नंगा नहीं होनी चाहिए तुम्हारा सर ढंका होना चाहिए ये सारी चीज़ें तो अल्लाह ने हमसे ये पूछनी है ये नहीं पूछना कि तुम्हारे बच्चे ने यूके में या ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की थी या नहीं की थी पूछा तो यह जाएगा औलाद पर कितनी मेहनत की थी उनके अखलाक उनकी अखलाक की तरबियत की और घरवाली के साथ भी किस कदर तुम्हारा रवैया क्या था मोहब्बत वाला प्यार वाला और उसको टाइम दिया कि नहीं कि वो भी जो है इस नेकी के रास्ते पर आ जाए तहम्मल और बर्दाश्त था ये जाता ही जो है तुमने डंडा परसाना शुरू कर दिया और जो है कहना शुरू कर दिया कि अगर ये नहीं करोगी तो फिर तुम्हारा और मेरा नहीं हो सकता गिव अर टाइम भक्तो प्यार से मोहब्बत से थोड़ा थोड़ा करके उसको समझाते रहो किसी दीनी मदरस दीनी तालीम देते रहो किसी दर्श किसी हदीस के हवाले से अल्लाह ताली खुदिन में वो पैदा कर देगा लिहाजा उसकी ग़लत अगर उसके कुछ कमज़ोर पहलू हो तो नज़रअंदाज़ करो उसकी हमेशा अच्छाई को सामने रखो कि ठीक है इसके अंदर ये खामियां हैं लेकिन ये पहलू बहुत अच्छा है इस चीज़ को मद्द रखो तो फिर अच्छी गुजरेगी और अगर तुमने पिन पॉइंट किया उसकी कमजोरियों को कि इसमें तो ये भी कमजोरी है ये भी कमजोर ये कमजोरी है तो शैतान को मौका मिल जाए क्योंकि वो आपके तुम्हारे दिल को खराब कर देगा और हर वक्त लड़ाई झगड़ा और उसका नतीजा निकला वो आप अच्छी तरह जानते हैं लिहाजा ये है मर्द का तकवा और और औरत का तकवा क्या है फसात कानता हाफिजातुलमा हफि पसबो औरतें जो नेक हैं फरमाबरदार बरदार हैं अल्लाह की और अपने खामंद की और गैब में उसके अपनी इस्मत और इफ़त की हिफाजत करने वाली यानी वो नेक है फरमाबरदार बरदार है नमाज रोज़ा हज ज़कात है खामंद की फरमाबरदार बरदार है और दूसरा ये कि शुक्र गुजार है अगर कभी वक्त ज़रा मुश्किल भी आ गया तो ये सब अल्लाह के हाथ में है रिज्क अल्लाह के हाथ में है खामंद के हाथ में नहीं है वो तो कोशिश कर रहा है बेचारा आज दिहाड़ी नहीं लगी तो आज दिहाड़ी नहीं लगी तो जरा औखा वक्त आ गया तो औरत का काम है कि अपने खामद को हारने ना दे उसकी हिम्मत दिलाए कोई बात नहीं आज हम दाल से रोटी खा लेंगे आज कुछ नहीं तो सिर्फ जो है दूध और लस्सी से रोटी खा लेंगे कोई हर्ज नहीं लेकिन हलाल खाएंगे और इन ये है काम औरत का कि अपने खामुद को हलाल पर कायम रखे और मुश्किल वक्त में उसका साथ दे फर्मा बरदार हो और शुक्र गुज़ार हो तो ऐसी औरतें हैं कि जो अल्लाह के यहाँ दर्जा पाती हैं तो औरत का तकवा यह है कि खुदा खाफी भी है और अपनी इसमत तो इफ़त की हिफाजत करे शर्म का पहलू है पर्दा है शतर हिजाब के आकाम है मगरबी तहजीब के पीछे नहीं आज हमारी औरत मगरबी तहजीब के पीछे चलती है मगरबी तहजीब तो फ्रीडम में बिलीव करती है जो मर्जिया करो जैसा लिबास पहनो जैसी गुफ्तगु करो जैसा करो तुम आजाद हो आजाद हो मादर पिदर आजाद हो बिकनी में और जो है बिशक नहाओ और जिस तरह सामने हो उनका तो ये तस्वर है क्या हमारा इस्लाम का ये तस्वर है इन्ना लिल्लाह है व इन्ना है। फिर उनका तो ये है कि फ्रीडम के साथ साथ मटीरियलिज्म असल चीज ये है कि मादी चीज जिससे फायदा हासिल हो प्रॉफिट हो वो है असल काम ये अखलाक ये फलाक गरीब है इसका ख्याल करो इसकी कोई नहीं मटीरियलिज्म असल फायदा लुक एट द प्रॉफिट लुक एट द बेनिफिट दैट यू आर गोइंग टू डिराइव वो है असल चीज प्रॉफिट कितना मिल रहा है उसको देखो बेनिफिट कितना मिल रहा है उसको देखो ये मुसलमानों की जो बातें हैं ना कि गरीब है ज़रा हमदर्दी करो माफ़ कर दो ये नो इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू लुक एट योर मटीरियल मटीरियल बिलीव योर बेनिफिट योर प्रॉफिट सो देट इज दिस इज मटीरियल और उसमें रूहानियत नहीं है बस सिर्फ जो जाहरी पन है कानून और जाहरी पन है रूहानियत का वहां तब वो ही नहीं तो मगरबी तहजीब को तबाह की तरफ जाती है बहरहाल एक बा एक तकबा आखिरी बात यह है नबी अकरम ने जबान के तक़वे की बात की याजीना आम वलू कोल सदीदा युसलकुम आमा लकम व यकफिलकुम जुनूबकुम व मैं यूथ अल्लाह रसूल फ़कत फाजा फौजन अजीम एहलिमान अल्ला का तकबा इख्तीार करो बात सीधी सीधी दुरुस्त किया करो अच्छी बात सीधी बात दुरुस्त बात टू दॉइंट बात महजब गुफ्तु गुफ। अल्फाज का चुनाव बहुत ही महजब शाइा तो सख्त से सख्त बात भी दिल में घर कर जाती है अल्फाज इतने प्यारे होते हैं चाहे कड़वी बात है लेकिन अल्फाज का चुनाव खूबसूरत है ये बहुत आर्ट है और मीठी बात भी अगर आप अल्फाज का चुनाव गलत हो जाए तो नफरतें पैदा होती हैं दिल खराब होते हैं बदगुमानियां पैदा हो तो जबान का तकबा बहुत इंपॉर्टेंट है कूलू कौलन सदीदा नबी वसल्लम ने फरमाया कि दो चीजें ऐसी हैं कि अगर तुम उन, उन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत का वादा देता एक जबान को काबू में रखो और अपनी शहवत को काबू में रखो इन दो चीजों को तुम काबू में कर लो जन्नत का वादा मुझसे ले लो क्या खूबसूरत बात है और हजरत माज इतनी जबर रजुल्ला हजूर से पूछते हजूर मुझे कुछ नसीहत कीजिए को नेकी की फरमा नमाज़ पढ़ो कुरान पढ़ो जिक्र अज़कार है ज़क़़त है और उमरा है फरमाया कुछ और फरमाए कहाँ के अल्लाह के राम में सदका करो कहाँ फरमाए कुछ और कहा रात को उठो तो हजरत पढ़ो कहाँ कुछ और कहा अल्लाह के दीन को आगे पहुँचाने वाले बनो दीन सीखो और भी सीखो और कुरान को आगे बनाए कहा कुछ और बदे कहा कि अल्लाह के दीन को कायम करने की जिद्दोजहद करो कहा कि कुछ और तो ने भरा मैं फिर आखिरी बात तो मैं ये बताता हूँ खुद अपनी जबान बाहर निकाली और पकड़ के कहा ए माज अपनी जबान को काबू में रखो इंसानों की अक्सरीत जहनों में इस जबान की वजह से जाएगी ये सबसे बड़ी नेकीहत हूँ इससे ऊपर कोई चीज नहीं ये जबान है जो इंसानों को जहनों में गिरा देगी चुगली गिबत गाली धोखा वगैरह यह सब जबान का है तो जबान अगर महजब हो जबान अच्छी हो तो जैसे हजरत अली फरमाते हैं कि अगर तेरी आँख अच्छी है तो दुनिया अच्छी नजर आएगी आँखें ठीक है हर चीज़ कलरफुल नज़र आएगी अगर तेरी आँख अच्छी है तो तुझे दुनिया अच्छी नज़र आएगी लेकिन अगर तेरी जुबान अच्छी है तो तू दुनिया को अच्छा नजर आएगा दुनिया तुझे अच्छा समझेगी इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस टंग जो हजूर ने अपनी जबान खुद पकड़कर फरमाया इस जबान को काबू में रखो कम बोलो इसी में हमत और दानाई है बात करो तो सोच समझ करो दानाई की बात तहमुल बर्दाश्त करो जबान का इस्तेमाल गलत नहीं होना चाहिए तो ये है कि जो हज़ू नबी की ज़बान के तकवे की बात की फरमाए युसल रकम आमालकम अगर तुम ज़बान का तकवा करोगे असल अल्लाह तुम्हारे आमाल की असलाह कर देगा वह यकफिलकुम जुनूब अकुम तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा व वमई होते रसूल और जो अल्लाह और उसके रसूल की ताद करता है फ़क्र फ़ाजा फौजन अजीमा वो बहुत अजीम कामयाबी हासिल करता है और हदीस में है आलन आज़ा निका वज अलूफ़िल मसाजिद निका के लाने आम किया करो और उसे मस्जिदों के अंदर मस्जिद के बाहर भी निका हो जाता है ऐसा नहीं है लेकिन सिर्फ़ फजीलत के तौर पर बावज़ू होकर आओगे नमाज पढ़ोगे पाकिज़ा माहौल में बैठ कर कुछ दो चार अच्छी बातें सुनोगे नसीहत की और दूल्हा को भी समझ आएगी दुल्हन को भी समझ आएगी तो इन ज़िंदगी अच्छी गुजरी बाकी फिर दुआ इस माहौल में जब दुआ करेंगे तो दुआ अल्लाह कबूल करता है ऐसी दुआ के जहाँ सारे कोई एक दूसरे को छुआरे मार रहे हैं कोई बच्चे जो हैं खेल रहे हैं और जो मौलवी एक साइड पे बैठे वो निकाह पढ़ रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा निकाह पढ़ रहे हैं और शूशनियाँ उड़ रही हैं और ये हो रहा है उस दुआ का क्या लज्जत उस दुआ की क्या कहाँ कितनी ऊपर जाएगी वो थोड़ी ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी लेकिन मस्जिद में बैठ कर की दुआ वो सीधी अर्श तक जाती है तो मस्जिद में बढ़ो और इस तरह तरफा को आसान बनाओ मतलब ये अल्लाह ताला ने बोझ लड़की नहीं लड़के वालों पर डाला है। अच्छा ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि वो सेलिब्रेट करे खुशी तो उसके घर में है ना उसके यहां बच्ची आती घर में तो सेलिब्रेट तो वो करे उनके यहाँ तो लड़की जा रही है वो 18-20 साल से माँ बाप की जो है वो प्यारी बच्ची जो है जिसको पाला है जिगर का गोशा है वो रख्सत हो रही है सख्त से सख्त तीन दिल वाला बाप भी उस दिन उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो तो लेकिन खुशी तो असल तो लड़के वालों में लिहाजा ही शुड सेलिब्रेट वलीमा वलीमा करो जितना खिला सकते हो लेकिन लड़कियों वालों पर हुजूर ने कोई बोझ नहीं डाला अच्छा हमने आज सारा बोझ लड़की वालों पर डाल दिया भी वो करे मेहंदी भी वो करे महफिल समा भी वो करे सलाम की महफिल भी वही करे जहेद भी वही दे खाने की रोटी भी वो खाने जो है बारात का गाना वो भी वो दे सारा कुछ वो करे नहीं हजूर ने कम अज कम बोझ लड़के वालों पर और वो भी पे इस्तात अपना वलीमा करे यानी सेलिब्रेट करे और खुशी में शामिल हो लड़की वालों पर कोई बोझ नहीं डाला ना बारात का बोझ है ना जहेज का बोझ है कुछ भी बोझ नहीं जहेज में कम अज़ कम ना दिखाना हो और ना ही मुतालबा हो बस कुछ अगर बाप कुछ थोड़ा बहुत दे दे तो कोई वो पहले भी देता रहा है बच्ची को कपड़े कौन पहनता है उसका बाप ही पहनाता है उसको तो अगर सोने की घूंगठी पहना देते तो कौन पहनाता है तो अगर थोड़ा सा दे दे लेकिन उसका दिखाना और मुतालबा करना ये नामनासिब है तो इस हद तक ठीक है वरना हुजूर ने कोई जहेज़ वगैरह भी नहीं दिया तो ये भी मुतालबा नहीं है हजूर ने फरमा निकाह मीन सुनती निकाह मेरी सुन्नत है मैंने कई शादियाँ की हैं मैंने घर घर हस्ती की ज़िंदगी रखी है बच्चे पाले हैं ये कोई बहुत नेकी का काम नहीं कि मैं मैंने तो बिल्कुल सॉरी जिंदगी निकाह भी नहीं की और अल्लाह अल्लाह करता रहा हूँ ये इसको हजूर ने फरमा ये रहबानियत है और फरमा ला रहबानियत फिर इस्लाम इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है शादी करो चार तक की इजाजत है लेकिन अगर अदल कर सको अगर अदल कर सको तो एक पर अगर दो शादियां की और अदल ना किया तो आधा धड़ मरेगा आखरत के दिन घसीट कर अपने धड़ को लेकर आएगा अपने धड़ को घसीट कर लेकर आएगा अगर उसने अदल नहीं किया तो चार की इजाजत जो दी है बड़ी स, शरायत के साथ दी है कि ऐसे आ, आसान बात नहीं है लिहाजा अन्काहों सुन्नत सुनती निकाह मेरी सुन्नत है मैं कहा रहा मन रागेबान सुनती फल जिसको मेरी सुन्नत से मोहब्बत नहीं उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं सुन्नत से मोहब्बत हो सुन्नत पर अमल हो हाँ सुन्नत पे अगर अमल नहीं हो रहा तो इंसान को ये बात गमज़दा कर दे कि यार मैं इस सुन्नत में पीछे रह रहा हूँ अल्लाह मुझे तोफ़ी दे कि मैं ये सुन्नत भी अपना लेकिन सुन्नत से जो है इंसान ना पसंद करे उसको हल्का समझे उसको मकाम न दे तो उसका हुजूर ने फरमाया मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं मन अहब्बा अहब्ब सुन्नती फ़कत नहीं जिसको मेरी सुन्नत से मोहब्बत है असल में तो उसको मुझसे मोहब्बत है वो मन अहब्बा नहीं कहा ना माइया फिर जन्ना और जिसको मुझसे मोहब्बत है वो मेरे साथ जन्नत भी होगा तो असल तो सुन्नत है सारी कुरान सुनत दो चीज़ें हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि खुशी हो या गम जो भी काम हो उसको जितना मुमकिन हो सके कोशिश करे कि वो सुन्नत के मुताबिक हो अल्लाह ताला मुझे और आपको इस बात पर अमल करने की तोफ़ीकता फरमाए अंग्रेज़ अपने मज़हब को छोड़ चुका है लेकिन अपना निकाह आज भी अपने चर्च में करता है और हमारे रसूल ने चौदह सौ साल पहले हज़रत फातमा रजी अल्लाह तह का निका मस्जिद में किया अगर हजरत फातमा का निकाह मस्जिद में हो सकता है तो मेरी और आपकी बेटियों का निकाह मस्जिद में क्यों नहीं हो सकता है? क्या हमारी बेटियों का मकाम माज अल्ला फा, हजरत फातिमा से बुलंद है हरगिज़ नहीं तो अगर वो कर सकती हैं तो हम क्यों ना करें तो ये मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इस सुन्नत को उजागर किया है ये लायक तहसिन है अल्लाह उन पर रहम करे और मजीद भी आगे सुनत पर अमल करने की हम सबको उस पर चलने की तोफ़ी के ताफ़रमाए आखर व दावाना अनिलहमदुल्लबीआलमिन